पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाईं ओर जाने वाली 7 रोज होती हैं, जिन्हें पीरियड्स कहा जाता है, और ऊपर से नीचे की ओर जाने वाले 18 कॉलम्स होते हैं, जिन्हें ग्रुप्स कहा जाता है। पीरियोडिक टेबल में सभी एलिमेंट्स उनके एटॉमिक नंबर के अनुसार व्यवस्थित होते हैं, जो उनके न्यूक्लियस में स्थित प्रोटॉन्स की संख्या होती है। तो ये पीरियड्स और ग्रुप्स आखिर क्या दर्शाते हैं? पीरियड एक एलिमेंट के उस इलेक्ट्रॉन शेल को दर्शाता है जो भरा जा रहा है। उदाहरण के लिए पीरियड 3 और ग्रुप 1 के एलिमेंट सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 1, जबकि क्लोरीन जो कि तीसरे पीरियड में ही है लेकिन जिसका ग्रुप 17 है का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 7। दोनों ही केसेस में वो तीसरा शेल ही है जो भरा जा रहा है। क्या आप देख सकते हैं कि किसी एलिमेंट के ग्रुप और उसके बाहरी शेल में स्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बीच में क्या संबंध है? ध्यान दें कि यदि ग्रुप में 2 संख्याएं हैं तो हम दूसरी संख्या काम में लेते हैं। वीडियो को यहीं रोकें और सोचें। एक एलिमेंट जिस भी ग्रुप में होता है वो ग्रुप उस एलिमेंट के सबसे बाहरी शेल में स्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बताता है। अब वीडियो को फिर से रोकिए और कार्बन एटॉमिक नंबर 6 पीरियड 2 और ग्रुप 14 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 4। क्या आपने भी यही लिखा है? केमिकल रिएक्शंस इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट पर निर्भर करती हैं, इसलिए क्योंकि किसी भी एक ग्रुप के लिए सभी एलिमेंट्स के बाहरी शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान होती है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी काफी मिलती जुलती होती हैं। चलिए नजर डालते हैं एक पीरियड के अंतर्गत कुछ प्रवृत्तियों यानी ट्रेंड्स पर। हर पीरियड के अंतर्गत एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के ट्रेंड्स को पीरियोडिसिटी कहा जाता है। जब हम एक पीरियड में बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या देखते हैं? सबसे पहले एलिमेंट्स मेटल्स से नॉन मेटल्स में परिवर्तित होते जाते हैं। यह भी ध्यान रखें कि एटॉमिक रेडियस में कमी आती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को अपने और करीब खींचते हैं। पहली आयोनाइजेशन एनर्जी में भी वृद्धि होती है जो कि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी वृद्धि होती है जो कि किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक एटम के आकर्षण को दर्शाती है। अब हम ग्रुप में नीचे जाते हुए मिलने वाले ट्रेंड्स को देखते हैं। ध्यान दें, एलिमेंट्स और अधिक मेटलिक बनते जाते हैं। ये स्पष्ट रूप से ग्रुप 14 में देखा जा सकता है, जहां दूसरे पीरियड में कार्बन एक नॉन मेटल है लेकिन पीरियड 6 में स्थित लेड एक मेटल है। वैसे क्या आपको पता है मेटल्स वे एलिमेंट्स हैं जो किसी भी रिएक्शन में अपने इलेक्ट्रॉन्स को दान करके रिएक्ट करते हैं, और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को प्राप्त करके रिएक्ट करते हैं। इसके अलावा ग्रुप में नीचे जाते हुए एटॉमिक रेडियस में वृद्धि होती है। इसका मतलब है कि ग्रुप के हर दूसरे एलिमेंट के साथ एक नया शेल जुड़ता चला जाता है। हालांकि पहली आयनाइजेशन एनर्जी में कमी आती है जो कि जैसा पहले भी हमने देखा सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है।